लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई हरि प्रसाद, भगवान की दया से तुमने सब कुछ तो पा लिया है, नाम पैसा शोहरत वगैरह वगैरह। अब तुम छोड़ो उस शहर बंबई को जहाँ चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। अरे यहाँ देखो, चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी है। मैं तो कहता हूँ अपना सारा कारोबार समेट कर तू यहाँ चला बस। अरे बुद्धू, अपना सारा जमा जमाया कारोबार समेट कर मैं अचानक तो यहाँ नहीं आ सकता। तू तो हमेशा जिंदगी से परेशान ही रहा है। अरे भाई तू ठहरा, रिटायर्ड आर्मी मेजर, पता नहीं हमारी सरकार का तू कितना माल खा चुका है। ट्रांसपोर्टर भी बन गया है, बंगला और होटल भी बना लिया है। अबे तुझे किस बात की फिक्र है? फिक्र क्यों नहीं है, मेरी बेटी नहीं है क्या? उसकी शादी की फिक्र नहीं है मुझे? तो तेरी बेटी है कहाँ? लो आ गई। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मालती बेटे, जॉगिंग करने की उम्र तो हम जैसे नौजवानों की है। आए? तेरी जॉगिंग करने की नहीं, हॉगिंग करने की उम्र है अंकल। जिंदगी से परेशान लगती हो डैडी? आप दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी तुम तो जानती हो कि तुम्हारे अंकल का धंधा सेबों का है, उसी सिलसिले में बस इनके पार्टनर सनी से मिलने जा रहे हैं। भाई सनी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सेठ जी, इस बार पहली बार सेब की डिलीवरी में थोड़ी बहुत देरी होगी, इसलिए हाँ बंदा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। बैठी ना। धंधा करना तो कोई तुमसे सीखे, गलती करते हो और फिर पढ़ाने की कोशिश भी करते हो। पर कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, नमस्ते, कि आइंदा हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? सेठ जी ये सनी का वायदा रहा कि आइंदा सेब की डिलीवरी बंबई में वक्त से पहले हो जाएगी। और अगर नहीं हुई ना तो ये मेजर प्रेम सिंह अहलूवालिया वहाँ पहुँच जाएगा अपने इस डंडे के साथ। और फिर तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं लोगों की जिंदगियों को परेशान कर देता हूँ। मेजर अंकल, मैं ही क्या, सारा शहर आपको जानता है, मेरे पेड़ आपको जानते हैं, मेरे सेब भी इनको जानते हैं, और तो और मेरी गर्लफ्रेंड ईशा भी आपको जानती है। नॉटी बॉय। आइए बैठिए बैठिए, चाय। कमल कमल एक्सपर्टी। पढ़ाने में बड़ा एक्सपर्ट है। गुड मॉर्निंग ईशा डार्लिंग। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। तुम्हारे जैसा दोस्त और हम सफर नसीब वालों को ही मिलता है। और वो नसीब वाली तुम हो। इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर तुमसे नाता जोड़ा है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, जो आदमी अपने बिजनेस पार्टनर हरि प्रसाद को धोखा दे सकता है, वो अपनी लाइफ पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता। ईशा, तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं? यकीन तो है, लेकिन तुम जो अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो उसे देखकर कभी कभी शक होता है। शक? कैसा शक? और मैं अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहा हूँ? सेबों के बिजनेस की आड़ में ब्राउन शुगर की स्मगलिंग। अगर किसी दिन उसे पता चल गया तो लगता नहीं कि वो तुम्हें छोड़ देगा। परसों जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा ईशा डार्लिंग, क्योंकि बिजनेस जो है वो विश्वास की बुनियाद पर किया जाता है, और विश्वास मुझ पर बहुत ही ज्यादा करता है हरि प्रसाद। और विश्वास पर ही हमारा बिजनेस चलता है। खैर ये बताइए कि मार्केट का क्या हाल है? सर सेबों की डिमांड तो बहुत बढ़ रही है, लगता है सीजन अच्छा जाएगा। गुड। आपके ख्याल से माल की डिलीवरी कब हो रही है? 3-4 दिन में। इसी सिलसिले में मैं सनी से मिलने मनाली गया था, आज ही लौटा। अब तक तो मैं घर भी नहीं गया। तो आप घर जाइए, आराम कीजिए, बाद में मिलेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ मैनेजर। यस सर। मोहन को अंदर भेजो। सर मोहन तो घर चला गया। घर? मोहन, मोहन, मोहन! अफ़ो, आखिर हुआ क्या? क्यों इतने लाल पीले हो रहे हो? मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे बेटे का यही रवैया रहा तो हमारे सारे अरमान, सारे सपने, सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता,
तुम्हारे बेटे के भविष्य को तबाह करके रख देगी, बर्बाद करके रख देगी, और वो कहीं भी सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेगा। अब मेरे बेटे ने क्या किया? आज तो सवेरे सवेरे दफ्तर चला गया था बेचारा। बेचारा? हाँ हाँ, ऑफिस जाकर पूछो तो कहते हैं घर गया, घर अगर पूछो तो जवाब मिलता है ऑफिस गया। मैं पूछता हूँ आखिर वो गया कहाँ है? तेरे दिल की पटरी पे दौड़ेगी मेरे दिल की रेल, आशिक इंजन माशुक डिब्बा दौड़ा जाए दिल का मेल, प्यार की झंडी हिल जाए यार का सिग्नल मिल जाए, प्यार की झंडी हिल जाए यार का सिग्नल मिल जाए, इंजन मेरा सीटी मारे थोड़ा सा धके, वाट लगी। मोहन पिताजी, अबे पिताजी पिताजी, यार तो गाने के रिहर्सल में ड्रामे के डायलॉग क्यों बोल रहा है यार? दरिया में तूफान, समंदर में भूचाल हो गया, पीछे देख तेरे पिताजी। जाने मन, हमने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन तेरा सब कुछ पीछे ही खड़ा है बेटे, पीछे देख पिताजी पिताजी। यार पिताजी के भाड़ में, बेटे से बात कर बेटे से। अरे कोई भी बाप अपने बेटे को इतनी हसीन लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखकर कभी खुश नहीं हो सकता। जलता है। करेक्ट। ओ शट अप। एक तो मैं यहाँ जवाने की तोप की रिहर्सल कर रहा हूँ और तू पिताजी पिताजी पिताजी। उल्लू के पट्टे, तू दफ्तर का काम छोड़कर यहाँ जवानी की तोप चला रहा है, तेरी तोप चल गई, घर चल, अब तेरा बैंड बजाता हूँ, चल। अबे तेरा बैंड वहाँ बजेगा, आवाज यहाँ आएगी, हाय हाय क्या ज़माना। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं माँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ भी करता हूँ, डैड सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं, आज ऑफिस में भी उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं जीना नहीं चाहता माँ, मैं इस दुनिया से उठ जाना चाहता हूँ। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो माँ। ये तो क्या कर रहा है माँ? मैं सेब खाना चाहता हूँ। एक तो तुम मुझे यहाँ सेब नहीं खाने देती और उधर ऑफिस में डैड मुझे डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बस डांटते ही रहते हैं। पगले, तेरे डैडी जो कुछ भी करते हैं तेरे भले के लिए ही तो करते हैं, उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं तुझ पर। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अभी लाई। कितना टाइम लगा दिया माँ। लिखा पानी लाती हूँ, लाती हूँ। अरे जल्दी कर ले बेटे, जल्दी कर। लाई बाबा लाई, ले। ये पराठे कहाँ हैं? अंदर माँ अंदर। मगर इतनी जल्दी खा ली तूने? अरे माँ अगर दो चार और होते वो भी अंदर चले गए होते। अगर रोज इसी तरह जल्दी आकर खा पी लिया करे तो तेरे डैडी कितने खुश हो। माँ आज से डैड के घर आने से पहले ही मैं खा पी कर सो जाया करूँगा। तू भागेगा तो नहीं? कमाल करती हो माँ। ये लो। ये क्या है? चाबी मेरे कमरे की। इसका मैं क्या करूँ? तू एक काम कर माँ, मेरे कमरे को बाहर से ताला लगा दे, भला कोई बंद कमरे से भाग सकता है? तुम्हारा वो लाडला है कहाँ? खा पी कर सो गया। इतनी जल्दी? आज उसे मेरे साथ एक बिजनेस मीटिंग में जाना था, मुझे बताए बगैर ही ऑफिस से चला आया। ताज्जुब है आज इतनी जल्दी वो सो कैसे गया? मैंने उसे सुला दिया और बाहर से ताला लगा दिया। क्यों? ताकि वो कहीं ना जा सके। बंद कमरे से कोई भाग सकता है भला? यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। चाबी लाओ। ये देखिए सो रहा है बेटा। जी हाँ सो रहा, मगर मत सो रहा, मुझे मालूम है ये लफंगा कहाँ गया होगा। ये
अबे बुड्ढे उठ, जब देखो गेंडे की तरह सोया रहता है, उठ अबे उठ। अरे ये क्या कर रहा है, आराम से बंद कर, डैड जाग जाएंगे। चल एक मिनट गाड़ी रोक। सोहन, अरे सोहन जल्दी चल। अरे यार क्लब में रोमा मीना टीना शीना सब इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ चिल्लाता क्यों, आ रहा हूँ ना। क्या करूँ बता, बड़ी जोर से भूख लग रही थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूख। चल यार गाड़ी में बैठ, आज तेरे लिए सरप्राइज आइटम लाया हूँ। चलो ड्राइवर, एक तेरे लिए गरम गरम पराठे चोरी करके लाया हूँ। यार मोहन खाना तो मैं तेरे साथ बहुत बार खाया, मगर जब भी तू तेरे माँ के हाथ के बने हुए परौंठे लेके आता ना यार, उन्हें खाने का मजा ही कुछ अलग है। यार मोहन तू कितना खुश नसीब है यार, इतने अच्छे माँ बाप, इकलौता बेटा, इतना बड़ा घर और खाने के लिए जो चाहिए वो मिलता, और क्या चाहिए यार। अरे खुशकिस्मत तो तू है, खुला खुला मकान, ऊपर से खुला नीचे से खुला, ना आने की पाबंदी ना जाने की पाबंदी। हाँ हाँ। अरे तुझे मालूम है मुझे अपने ही घर से निकलने के लिए छत से कूद कर निकलना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में मेरा इंतजार एक मोगैम्बो करता है। मोगैम्बो कौन? अरे मेरा खड़ूस बाप यार। अरे यार अगर मुझे तुझ जैसी आजादी मिल जाए तो मैं रोज चमड़े की रोटी खाने को तैयार हूँ, अरे झोपड़े तक मैं रहने को तैयार हूँ। चल सिगरेट पिला। सिगरेट? शर्म नहीं आती? मेरे जैसे गरीब दोस्त से तू सिगरेट मांग रहा है? अरे मैं तेरे जैसे अमीर बाप का बेटा होता ना तो उसके सारे पैसे लूट के ढेर सारी सिगरेटें खरीद के गरीबों में बांट देता था। क्यों ड्राइवर? ठीक फरमाया ना? हा? अच्छा नामदीन जरा गाड़ी रोको। नामदीन जरा पान की दुकान से हमारे लिए सिगरेट ले आओ। कौन सी सिगरेट लाऊं साहब? डफर, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम? डैड ये क्या है? तुम्हारा टिकट। टिकट? डैड पिछले महीने ही तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके लंदन से लौटा हूँ। और अब तुम सुधरने का कोर्स करने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे हो। कुल्लू मनाली? हाँ कुल्लू मनाली में मेरे एक दोस्त रहते हैं, रिटायर्ड मेजर प्रेम सिंह आहलूवालिया, तुम उनके पास जाकर रहोगे। तुम वहां कितने दिन रहोगे ये तुम्हारे हाथ में है, और वो तुम्हें किस तरह सुधारेंगे ये उनके अख्तियार में है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी छठे हुए बदमाशों को सुधारने में गुजार दिए, कभी प्यार से, कभी हथकड़ी पहनाकर, कभी बेड़ियां लगाकर, और तुम जैसों को काल कोठरी में बंद करके। काल कोठरी? माँ डैड से कुछ कहो ना, वो कुल्लू मनाली भेजना चाहते हैं मुझे किसी काल कोठरी में। मैं नहीं जाना चाहता माँ, मुझे मत भेजो प्लीज। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि सुधर जा, मगर तूने मेरी एक न मानी, हमेशा हम दोनों को धोखा देता रहा। तू तो अपने डैडी को अच्छी तरह से जानता है ना, एक बार वो जो ठान लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं, और उनके फैसले के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और मेरा ये फैसला तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, तुम्हारे आवारा लुच्चे लफंगे दोस्तों से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा, समझे? मोहन बेटा ये ले। मुझे नहीं चाहिए। रख ले बेटा। मैंने कहा ना माँ मुझे कुछ खाना वाना नहीं चाहिए। जरा देख तो सही, देख ना 10,000 है। 10,000? क्या बात है, माँ बेटे में बहुत लाड़ प्यार हो रहा है। ये क्या है? मिठाई है डैड। तू मिठाई कहाँ खाता है बेटे, तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे। नहीं 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 डैड, माँ ने मुझे इतने प्यार से दी है, मैं माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। एक टुकड़ा दे दे बेटे। ये मिठाई आपके लिए नहीं है। मिठाई हमारे लिए नहीं है, खटाई हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। चल बेटे प्लेन का टाइम हो रहा है, जल्दी। हाँ बेटा जा। चल बेटे शाबाश।
आशिक है मस्ताने, हम आशिक है मस्ताने। मोहन, तेरे डैडी ने तुझे मेजर प्रेम के पास सुधरने के लिए भेजा है ना, तो साथ में मुझे क्यों लेके आया? देख, तुझे अमीरी से प्यार है? मजाक कर रहा है क्या? अरे यार, हर गरीब को अमीरी से प्यार होता है, और मेरे जैसे गरीब को क्यों नहीं होगा? हाँ तो ठीक है, आज से मोहन मैं नहीं, मोहन तू है। क्या? अरे मैंने कहा आज से मोहन मैं नहीं, मोहन तू है। अरे वाह, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अगर राजा भिखारी से कह दे कि आज से राजा तू है, तो क्या भिखारी राजा बन जाएगा है? और अगर राजा खुद अपनी गद्दी भिखारी को सौंप दे तो? वो कैसे? मेजर प्रेम के यहाँ मैं नहीं मोहन बनकर तू जाएगा। अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तू क्या क्या बकते जा रहा? अरे डफर, तुझे अमीरी से प्यार है? हाँ। अरे तुझे वहाँ गोभी आलू, तंदूरी चिकन, आलू के पराठे, आइसक्रीम का साटा सब मिलेगा। नरम नरम सा गद्दा, बाथरूम में एक छोटा सा टब, बढ़िया सी गाड़ी। अरे बिल्कुल, बहुत बड़ा बंगला। यार मुझे ये सब चाहिए। और मुझे चाहिए आजादी, खुली आजादी, इसलिए आज से आजादी मैं लेता हूँ और अमीरी तुझे मुबारक हो। बोल मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है मेरे बाप, लेकिन वो लोग मुझे मोहन मानेंगे कैसे? अरे मानेंगे, जरूर मानेंगे। एक बात बता, क्या मैं यहाँ पर पहले कभी आया हूँ? नहीं। क्या मैं उस मेजर प्रेम को पहचानता हूँ? नहीं। क्या वो मेजर प्रेम मुझे पहचानता है? नहीं। क्या वो मेजर प्रेम तुझे पहचानता है? नहीं। तो फिर मेरी जान, प्रॉब्लम किस बात की है? अबे अमीर, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरे जैसे गरीब के पास अच्छे कपड़े का, जूते का, यार मैं मोहन कैसे बन सकता हूँ? कैसी बच्चों जैसी बातें करता है। आज से मेरे जूते तेरे, मेरे कपड़े तेरे, मेरी सारी जिंदगी तेरी। सच? या अबे अगर वहाँ मोहन के रूप में मेरी बाट लग गई तो तू मुझे आगे बचाएगा ना? जान जब हम हैं तुम्हारे साथ तो लगने नहीं देंगे तुम्हारी बाट। मिलाओ हाथ। कितना बड़ा घर है, यहाँ मुझे गरम गरम आलू के परोठे मिलेंगे। आ,
अरे मैं तो जिंदा हूँ, ये गोली कहाँ से तेरी? मार्शे आपकी तारीफ। अरे अमिताभ बच्चन। हाँ, रिश्ते में हम सब के बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। हाँ शहंशाह, समझे? आगे बढ़ो भाई साहब। एक्सक्यूज मी, यार अपन को नहीं पहचाना क्या? मिथुन चक्रवर्ती पहचान लिया। यार लोग को शंकर तड़ीपाड़ कहते हैं, क्या समझा नहीं समझा? चल आगे फुट चल। कब धमकी? अबे थोपड़ा दिखा। आई आई ये काला काला थोपड़ा, कितना पाउडर थोपा रे, कैसा रे तू रजनी? ना ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி என்னோட பேரே ஜான் ஜானி ஜனார்தன். அப்படியே அம்மா, आप लोग कितने अच्छे हो। ए मिस्टर, कौन हो तुम? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। Shut up and get out from here. कौन हो तुम? तुम्हारा प्रेम कैदी। हाँ क्या प्रेम कैदी? नहीं 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 नहीं, वो हाथ लग गई, लगता है मैं गलत जगह पे पहुंच गया। मैडम अगर यहाँ पे सुपरस्टारों का ये हाल है तो मेरे जैसे स्ट्रगलर का क्या हाल होगा? मैं वापस बॉम्बे चले आता हूँ। बाप रे बाप। Hey, who the bloody hell are you? कौन हो तुम? सोहन। नहीं नहीं, मोहन। Oh, I see. तो तुम ही हो हरी प्रसाद के बेटे? हाँ, एयरपोर्ट से कहाँ भाग गए थे तुम? आप नहीं दिखा दिए इसलिए मैं होटल चले गया था। जिंदगी से परेशान लगते हो? नहीं 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 नहीं। अरे ये हाँ नहीं नहीं क्या लगा रखी है तुमने? कान खोल कर सुन लो, अब तुम जहां पहुंच गए हो, यहां से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इनका हुआ है, समझे? मालती जी डैडी, इसका वजन और इसका नाप सब कुछ ले लो। वाट लग गई। कम ऑन गेट अप यू कमजी मैन, गेट अप गेट अप, हरी अप हरी अप। जिंदगी से परेशान रखते हो, कम ऑन गेट अप हरी अप। फाइव टेन विद हील्स, जॉनी गुड जॉनी गुड। ओह 85 केजी, टू बैड ठीक करना पड़ेगा। छाती पकड़ो, लिखो, हाथ ऊपर करो। गुदगुदी होती है। चुप, शट अप। पार्टी गर्दन 16। लेकिन इसका माप क्यों ले रहे हैं? फांसी के फंदे के लिए, इसलिए तुम आज से ही सुधरना शुरू कर दो वरना तुम्हें जिंदगी से परेशान कर दूंगा। भाई तुम्हारा सामान किधर है? नीचे नीचे। नहीं नहीं, हो, होटल में। तेरे दिल की पटरी पे दौड़ेगी मेरे दिल की रेल। चक 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 चक। मोहन बाबू का कमरा यही है? मैं पूछता हूँ, मोहन बाबू का कमरा यही है? हम मेजर साहब के यहाँ से आए मोहन बाबू का सामान ले जाने के लिए। अरे पूछते क्या हो, सामान वहां पड़ा है, ले जाओ। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। मिस्टर मोहन, ये सामान आपका जा रहा है, क्या आप कमरा खाली कर रहे हैं? बिल कब दोगे? बिल? कौन सा बिल, कहां का बिल, कैसा बिल? यहाँ का रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का। अजी हमने यहाँ पे कुछ पिया नहीं, खाया नहीं, जिया नहीं, अभी अभी तो आए हैं, पहले खाने दो, पीने दो, जीने दो, बिल की बाद में बात करेंगे। जो यहाँ रहते हैं वो अपना सामान चोरी से बाहर नहीं भेजते। सामान? अरे मेरा सामान कहाँ गया? सामान? सामान तो वहीं गया जहाँ आपने भिजवाया। ओहो सामान तो वहाँ चले गया। अरे उसमें तो मेरा टिफिन बॉक्स था जिसमें सारे पैसे पड़े थे। फिर ना नाटक, आप जैसे लुचे लफंगों से हमारे होटल वालों को पैसा वसूल करना आता है? ठेले जी मालिक, इनसे पैसे वसूल कर लो। हो जाएंगे मालिक। पैसा
पैसा पैसा पैसा। यार जब मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मैं दूंगा कहां से? पैसा। यार मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे सारे पैसे उस टिफिन बॉक्स में थे, वो टिफिन बॉक्स ही ले गए। पैसा। यार आपको पैसे के सिवाय कुछ आता नहीं है? आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पैसे दिलवा दूंगा। चलो 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 चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम यही बैठो, मैं घर से पैसे लेके आता हूँ। जल्दी आना। अरे उसका सामान यहाँ क्यों लेके आए? किसका सामान? अंकुल ये तो मेरे दोस्त मोहन का है। Who is that bloody Mohan and who are you? मैं भी मोहन हूँ। What? जैसे कि रजनीकांत जी। वणकम सर। मिथुन जी। सलाम साहब। अभी जी। जय राम जी की सर। हाँ ये तो सब के सब जिंदगी से परेशान हैं, इसलिए इनके बाप अपने इन्हें सुधरने के लिए हमारे पास भेजा है। Out! Go! Out! Out! अंकल, try to understand please. अगर एक शक्ल के दो इंसान हो सकते तो एक नाम के दो दोस्त क्यों नहीं हो सकते? पकड़ा पकड़ा पकड़ा। क्या पॉइंट पकड़ा? तुम्हारे बाप ने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि तुम किसी आवारा दोस्त को साथ लेकर आओगे। हाँ किसको? आवारा दोस्त को, यानी कि मोहन नंबर टू। हाँ कम ऑन गेट अप गेट अप और शाम की एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। अबे अमीर की औलाद तू यहाँ क्यों आया? अबे ढकनी के, मेरा सामान कहाँ है? मेरे टिफिन बॉक्स में 10,000 रुपए थे यार, वो टिफिन बॉक्स कहाँ है? 10,000? हाँ। टिफिन बॉक्स में? मगर लाओ कैसे? वहाँ तो मेरी मौत खड़ी है। अरे बाहर मेरी मौत खड़ी है, देख वो पहलवान को। अरे बाप रे। यार देख, या तो तू मुझे पैसे दे या तो छुपा दे, वरना ये पहलवान मुझे मार डालेगा यार। मोहन जी। मोहन जी। कभी डबल कभी सिंगल, ये माजरा क्या है? मोहन जी। अरे अभी भी हमने तुम्हें पुकारा तो तुमने डबल आवाज में जवाब दिया था, ये सिंगल आवाज कैसे है? अंकल वो क्या है ना, आपको मेरे डैडी ने नहीं बताया क्या कि मैं सोलो ड्यूएट कोरस स्टेज पे हर किस्म के गाने गा लेता हूँ। अच्छा जाली गुड जाली गुड। अच्छा तो फिर गा के बताओ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब लड़का और लड़की की आवाज में जाकर बताओ। नहीं अंकल, मुझे आपके सामने लड़की की आवाज में बड़ी शर्म आती है, आप प्लीज उस तरफ मुड़ जाइए ना। ओके ओके। ले पपिया झपिया पाल ले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, दिल में है खलबली ओ मेरी चुलबुली, खुल के मिले आज हम हड़प्पा। Now enough is enough. Back to the exercise now. Attention! Right turn! March! Uncle, मेरा वो... क्या वो? Nothing, वो, वो. Come on, come on, come on. Follow me. ये क्या हुआ? अंकल ये मेरा साष्टांग प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम कर रहे हो या दंड प्रणाम कर रहे हो? Come on, get up, get up. चलिए। Come on, follow me. अरे ये तो चला गया, अब मैं क्या करूं? आ गया, पैसा निकाल। अबे पैसा निकाल। अरे यार पैसा मैं दूंगा, मेरा कान देगा? कान तो छोड़ यार। तू भाग गया तो? कहीं नहीं भागूंगा, तू कान छोड़, सोचने दे। ठीक है सोच ले। सोच लिया। क्या सोच लिया? क्या आइडिया बुरा नहीं है? कौन सा? भागने का। अबे thank you.
बेटी, आज कॉलेज से आने में बहुत देर कर दी। ओफो माँ, सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। तुम तो ऐसे घबरा जाती हो जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ और घर का रास्ता ही भूल जाऊंगी। मुझे डर तेरे बचपने का नहीं, दुनिया का है। ओ माँ, मामा मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मेरा खाना लगा दो। बेटी, तुम्हारे कान का झुमका कहाँ गया? ओ माय गॉड, अब मैं समझी वो मुझसे क्यों टकराया था। कौन टकराया था? वही माँ जो मेरा झुमका ले गया। लेकिन दिखने में तो वो चोर नहीं, शरीफ नजर आता था। साहब, आप यहाँ के नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। आप शहरी हैं? बिल्कुल सही। कामकाज की तलाश में आए हैं? बिल्कुल नहीं। मौज मस्ती के चक्कर में आए हैं? बिल्कुल सही। अरे ये नहीं और सही का चक्कर छोड़िए जनाब, और दोस्ती का नाता जोड़िए। आप परदेशी, हम देसी, किसी होटल में चलते हैं, चाय पानी नाश्ते पर बात करते हैं। बेटा मोहन, अपने जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, कर ले नाश्ता फ्री ऑफ चार्ज। भैया अचानक, कुल्लू मनाली के लोग बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे कि तुम। ये तो बिल चुकाने के बाद ही पता चलेगा बच्चू। भाई कमाल है, पहली पहली मुलाकात और खाने की दावत। खाने की दावत? भैया खाना तो आप खिला रहे हैं। ओए कमाल की बात कर रहा है, मेरे जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। तो यहाँ कौन सा बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है? एक अचानक बिना वजह पंगे करेगा तो। अरे ये कहाँ से आ गया? आज पूरे दिन का खर्चा ये देगा। कैसे? ये लंगड़ा कहीं काम हुआ। सूरज से ही एक्टर लगते हो, आधी शक्ल दिलीप कुमार जैसी, आधी शक्ल अमिताभ बच्चन जैसी, लेकिन जब मुस्कुराते हो तो शाहरुख खान लगते हो। शाहरुख खान? अरे जब चलते हो तो आमिर खान लगते हो, रुकते हो तो सलमान खान लगते हो, लेकिन जब मुस्कुराते हो तो फिर शाहरुख खान लगते हो। किरण तुम मेरी हो। नाचोगे तो संजय कपूर लगोगे, गाओगे तो अनिल कपूर लगोगे, लेकिन जब मुस्कुराते हो तो बिल्कुल शाहरुख खान लगते हो। अच्छा, लड़ोगे तो धर्मपाजी लगोगे, नाचोगे तो जितेंद्र लगोगे, लेकिन जब मुस्कुराते हो तो फिर शाहरुख खान लगते हो। सच सच? झूठ झूठ हमने कभी बोला नहीं। तो ठीक है। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन में 4 हीरो की जरूरत है, 3 भिजवा चुका हूँ, 1 बाकी है। सर, मेरा नंबर लग सकता है? लग सकता है? अरे लग गया। दूर से डायलॉग बोलने पड़ेंगे। बोल दूंगा। बाकी की बात है खाने के टेबल पर। चलो ठीक है, खाने के टेबल पर। आइए बैठिए, डायलॉग बोलने पड़ेंगे ना। स्क्रिप्ट कहाँ है? ये पहली लाइन पढ़ लो। पहली लाइन पढ़ू? हाँ, यही। वेटर इधर आ। अरे यार जरा जोर से दम लगा के, बिल्कुल राजकुमार की तरह, ताकि वेटर यहाँ आए और तुम्हारी सारी बात माने, तभी तो पता चलेगा ना कि एक्टिंग में कितनी ताकत है। अरे अरे हंसता है तो शाहरुख खान लगता है। पढ़ू, पहली लाइन पढ़ू। वेटर जी साहब, क्या चाहिए? नूडल्स, चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस, रोटी, दाल फ्राई, आलू गोभी, राजमा, 2 प्याजा, जल्दी ले आना, फटाफट ले आना। अभी लाए साहब। हाँ हाँ, ऑर्डर देता है तब भी शाहरुख खान लगता है। ले ऑर्डर मौका चाचा। अब परीक्षा नंबर 2। और भी है? आंखें बंद करके ये एक्सप्रेशन दो कि तुम्हें जबरदस्त भूख लगी हुई है, तुम्हारे सामने खाना पड़ा हुआ है लेकिन तुम खा नहीं सकते। परीक्षा शुरू। Wow.
साहब बिल, साहब बिल साहब 240 रुपए। कैसा बिल? ये आपने खाया साहब इसका? नहीं नहीं मैंने खाया नहीं, मैं इनको एक्टिंग करके बता रही हूँ। ये खा गए? वो आपके दोस्त लोग तो खा के चले गए। दोस्त? वो कौन दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं इधर। वो आपके साथ आए थे वो? नहीं 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 नहीं, वो सब मैं नहीं जानता। पैसे दो आप। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे लेकर नहीं आया था इधर। ओ सेठ देखो पैसे नहीं दे रहे। क्या बात है, इतना सब खाया बोलता है पैसे नहीं है। भी नहीं खाया। देखो सेठ मैंने कुछ भी नहीं खाया। अचानक सिंह के साथ हो गई है दोस्ती अचानक, अब देखना ये दोस्ती तुम्हें कहाँ ले जाती है अचानक। अचानक मैं तो बहुत थक गया हूँ, आखिर तुम्हारा ताजमहल है कहाँ पर? अरे मास्टर तुम तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे बड़े राजा महाराजा के बेटे हो। भैया हम राजा महाराजा के बेटे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम दिल के तो राजा हैं। आपका झुमका। लो टेलीफोन पर बात करो अपने बाप से। चलो अबे तुम जिंदगी से परेशान क्यों लग रहे हो, अपने बाप से बात करते हुए कहां पर हो? गधा कहीं का। अबे गधे, ये गधा किसको बोल रहा है? अरे तुमसे नहीं हरि प्रसाद, तुम क्यों जिंदगी से परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हारे बेटे से कह रहा हूँ, वो तुमसे बात करने में घबरा रहा है। मेरा बेटा होकर घबरा रहा है? लेकिन भाई वो तो अपनी माँ की तरह बहुत ही बातूनी है। अच्छा, अरे यहाँ तो ऐसे रहता है जैसे मुंह में जबान ना हो, खोपड़ी में दिमाग ना हो, और चलता है तो जमीन पर आहट तक नहीं होती है। अरे अभी तो सिर्फ 12 घंटे हुए हरि प्रसाद, 12 महीने हो जाने दो, फिर देखना मैं इसे क्या से क्या बना दूंगा। चलो फोन पर बात करो। चलो, अरे चलो, जिंदगी से परेशान लगता है। जी 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 पी पी पी। अबे क्या बोल रहा है तू, और ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? देखा प्रेम सिंह अहलूवालिया का कमाल, जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को ठीक कर दिया है। ये किस खेत की मूली है? क्या भाभी बात करना चाहती है? चलो अपनी माँ से तो बात करो। जब क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, भाभी क्या समझेगी मैंने तुम्हें फांसी में लटका रखा? बेटे, मेरे बेटे को क्या हुआ? नहीं नहीं भाभी, आप भी फिक्र रहिए, मैं हर महीने इसकी लंबाई चौड़ाई वजन वगैरह वगैरह की रिपोर्ट आपको भेजता रहूंगा। ये लो अब तो बात करो। अरे बेटा मोहन, माताजी ओ नवाब साहब, ओ नवाब साहब उठिए उठिए, सूरज निकल आया है, सुबह के 9 बज चुके हैं। चाय लाओ। चाय आ गई, चाय आ गई। नवाब साहब उठिए उठिए, चाय आ गई। चाय आ गई आ गई। ये तो वही शीश महल है यार। वही कहाँ चाय? यहाँ है ये चायदानी, ये शक्करदानी, और ये दूधदानी, और ये मैंने चाय आई, बहुत गर्म है। ये चाय डाली कप में, ये दूध उठाया, ये दूध डाला, शक्कर कितनी लेंगे आप? 2 चम्मच। दो, ये एक, ये दो। ये लीजिए। अरे गिरा दी ना चाय। मुझे नहीं चाहिए नकली चाय, मुझे असली चाय चाहिए, असली दूध और असली शक्कर वाली। नवाब साहब असली चाय के लिए असली दूध चाहिए, असली शक्कर चाहिए, और असली चाय की पत्ती चाहिए। कहाँ से आएगा ये सब? यही तो असली कमाल दिखाना है तुमको। तुम 3 चीजों में से एक का इंतजाम कर सकते हो। वो कैसे और कहाँ से? तुम्हारे सामने वाले घर में तुम्हारी काजल मैम सब रहती है ना? हाँ। तो उनके पास जाओ, चलाओ कोई चक्कर। वहां से सिर्फ मैं चाय की पत्ती ला सकता हूँ? चलेगा चलेगा, चाय की पत्ती तो ले आओ। काजल जी,
काजल जी, मेहमान हमारे घर में आ गए अचानक, चाय की फरमाइश की अचानक, अब हो गई ना परेशानी हमें अचानक। घर में शक्कर है, दूध है, लेकिन चाय गायब हो गई अचानक। न जाने क्यों हमें शर्म आ रही है अचानक। मिल जाएगी थोड़ी चाय की पत्ती अचानक। आ गया चाय की पत्ती लेकर ये अचानक। अब हम भी देखते हैं कैसे बनती है बगैर शक्कर और बगैर दूध की चाय अचानक। जहाँ से चाय की पत्ती का इंतजाम हो गया, वहाँ से दूध और शक्कर का भी इंतजाम हो जाएगा। क्या मतलब? यानी कि अगर एक साथ तीन तीन चीजें मांगोगे तो कोई नहीं देगा। यानी मुझे काजल जी के यहाँ फिर से जाना पड़ेगा और शक्कर मांगनी पड़ेगी और दूध। जाओ, जल्दी जाओ और थोड़ी सी शक्कर ले आओ, जाओ। काजल जी, काजल जी, अब क्या हुआ मिस्टर अचानक? हो गई ना हमारे घर में गड़बड़ अचानक। पड़ोसी हमारे पहुंच गए अचानक, मांगने लगे ये शक्कर के दो चम्मच अचानक। दिलदार हो गया हमारा मेहमान अचानक, उठा कर दे दिया पूरा डब्बा शक्कर का अचानक। यानी अब तुम्हें शक्कर चाहिए? आ गया शक्कर लेकर अचानक, अब दूध लेने नहीं जाएगा अचानक। दूध लाने कौन बोल रहा है? दूध तो अपने आप बहता हुआ चला आएगा। वो कैसे? इस मटके में दूध भरा हुआ है। तोड़ दी मटकी। अब सारा का सारा दूध फर्श पर फैल चुका है। अब तुम चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो सुने और दूध अपने आप बहता हुआ चला आए। समझ गया, समझ गया। अरे ये तुमने क्या किया? मेरे दूध से भरी हुई मटकी को तोड़ दिया। और जोर से। अरे बचा कुचा दूध था वो भी जमीन पे गिरा दिया। और जोर से। मेरे पास दूध की ढेरी है क्या? अब दूध कहाँ से लाऊंगा? चाय कैसे बनेगी? जहाँ से चाय की पत्ती आ सकती है, जहाँ से शक्कर आ सकती है, वहाँ से दूध भी आ सकता है। नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता है। आ सकता है? नहीं आ सकता है। आ सकता है। चाय आ गई अचानक। अच्छा किया काजल जी जो आप आ गई अचानक, लेकर हमारे मेहमान के लिए चाय अचानक। आपका मेहमान हमारा मेहमान, लीजिए। आप ही लेंगे? मैं अभी अभी पी के आई हूँ। हमारे साथ? थैंक यू। अब और हमें कोई काम नहीं।
ये लीजिए माँ जी आपकी दवाइयाँ। तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है बेटा। नहीं माँ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे माँ जी, लंबी उम्र लेके मैं क्या करूँगा, भगवान मुझे वो दे दे जो मैं चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो बेटा? आपका और काजल का सुख बस। अब वो दिन जाने कब आएंगे बेटा। एक तो मेरी तबीयत खराब, फिर घर के खर्च, एक टैक्सी है वो भी घर में पड़ी पड़ी सड़ रही है, ड्राइवर भी तो अच्छे नहीं मिलते। माँ जी ये तो मामूली सी बात है, आप यूं परेशान क्यों हो रही है, मैं आपके लिए कोई अच्छे से ड्राइवर ढूंढ निकालूंगा बस। आपकी चाय। थैंक यू। सनी साहब, आप बड़े आदमी हैं और कोई बड़ा आदमी टैक्सी के लिए ड्राइवर ढूंढे तो बात थोड़ी छोटी हो जाती है, इसलिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर हम खुद ढूंढ लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई शर्मा साहब, आपके होटल की बहुत तारीफ सुनी है हमने। जी वो आपके जो स्पेशल आलू के पराठे, चिकन बिरयानी और मटन दो प्याजा और सीख कबाब और शामी कबाब और तंदूरी चिकन वगैरह वगैरह जो भी बेहतरीन है सब कुछ लेकर आई है। हाँ बस एक मिनट, एक मिनट। कसाट आइसक्रीम लाना। मत बोलना। यस सर। आज मेरी पेट की बाट लगने वाली है। इतना अच्छा खाना इस जन्म में पहली बार खा रहा हूँ। क्या खाऊं? कहाँ से शुरू करूँ? पनीर टिक्का से शुरू करता हूँ। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? हाँ यस, तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर दिया गया है। मगर क्यों अंकल, मेरे लिए यही खाना स्पेशल है और अब ऊपर से ये भी। दासुप अंकल, ये दासुप आपके लिए है। शट अप, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। कम ऑन। मेरे लिए? हाँ। वाह, आपके लिए इतना अच्छा खाना और मेरे लिए ये दासुप और ऊपर से ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स। क्या मैं बकरी का बच्चा हूँ? जी नहीं, तुम बकरी के बच्चे नहीं हो, लेकिन ये प्रोटीन युक्त दाल सूप तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी तुम आजकल इतने मोटे हो गए हो, प्लीज खा लो ना। मोटा हो रहा हूँ अंकल? अगर मैं ये दाल सूप ना पियूं तो? तो मैं तुम्हें जिंदगी से परेशान कर दूंगा, गोली से मार दूंगा, हंटर से मारूंगा। कम ऑन, गो बैक टू योर सूप नाउ, कम ऑन। अरे अरे पीता हूं। बेटी ये चिकन टिक्का देना। क्या बात, वेरी गुड। अरे तुझे वहां गोभी आलू, तंदूरी चिकन, आलू के पराठे, आइसक्रीम का साटा सब मिलेगा। अबे गधे के औलाद, मुझे तेरी जगह भेजकर उल्लू बनाया, चाहे तेरा राज खुल जाए, मैं ये खाना खा के रहूंगा। अरे अरे
लगता है तुम जिंदगी से परेशान हो। चुप, जिंदगी से परेशान मैं नहीं तू है। ये दाल पीने की उम्र मेरी नहीं, अब साले ये दाल पीने की उम्र तेरी है। बुड्ढे, बुड्ढा, तुमने बुड्ढा बोला? अरे तुमने मेरे दादी को बुड्ढा बोला, अपने होने वाले ससुर का बुड्ढा बोला। बेटर, 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 चुप। डर किस बात का? एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगा। बुड्ढा, 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 टेक मोबे, टेक मोबे, टेक मोबे। बुड्ढा, 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 छोड़ो मुझे, मुझे खाने दो। अबे साले ये कौन थे मुझे रोकने वाले? मैं तो अपने दोस्त मोहन के खातिर आया यहाँ पे आके, ना मुझे खाना मिला ना मुझे ऐशरा मिला, मुझे मिला तो ये बुड्ढा मिला। जब देखो हंटर बंदूक दिखा देता, मैं ये खाना खा के ही रहूंगा। चुप चुप, लगता है ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। अबे पागल किसको बोला भेरे? मैं पागल नहीं, तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों सक गया गए। मोहन नहीं हूँ, सोहनू, 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 कितने बार बोलूं? दादी ये मोहन नहीं, ये सोहन है। घबराओ मत बेटी, फिक्र मत करो, घर जाते ही इसका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अंकल, ओके, जब एक लेकिन जल्दी आना, वरना जिंदगी से परेशान कर दूंगा। हरी अप। ठीक है मोहन, तुझे नहीं छोड़ूंगा, लगता है ये टाइक हो गई, जीना पड़ेगा। इस फोटो में लड़की को भी देखा मैंने। पकड़ा। क्या पकड़ा? तुझे पकड़ा। पकड़ा ना तो छोड़ दे। ए? पैसा निकाल पैसा। अबे मुझट, पैसा होता तो मैं चिकन तंदूरी, कसर आइसक्रीम, आलू की परांठे नहीं खाता, दाल सूप क्यों पीता? अबे वो पैसा नहीं, तेरे दोस्त मोहन का पैसा। कौन मोहन? अबे वही मोहन जो हमारे होटल से बिल दिए बगैर भागा। मैंने तुझे उसके साथ मेजर प्रेम आहलूवालिया के घर देखा है। पैसा निकाल, पैसा निकाल। वाट लग गई। अबे पैसा निकाल। कॉलेज जा रही हो? आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। थैंक्स, मुझे रास्ता मालूम है। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको रास्ता मालूम है, लेकिन यू साइकिल पर जाकर आप खमखा थक जाएंगे। वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपके लिए ड्राइवर का बंदोबस्त कर दूंगा और फिर आप अपनी गाड़ी में शान से ड्राइवर के साथ जा सकती हैं। लगता है आपको कम सुनने की आदत है या फिर भूलने की बीमारी। मैंने माँ के सामने कहा था कि आपको हमारे लिए ड्राइवर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ढूंढ लेंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती हो? अब देखो ना, तुम्हारी एक हाँ से तुम्हारी परिवार की सारी तकलीफें दूर हो सकती है। आगे ना अपनी औकात पर, मेरी माँ तुमसे धोखा खा सकती है, मैं नहीं। मैं जानती थी कि तुम हमें पैसे देके हमारे परिवार पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि मेरी कीमत लगा रहे हो। गलत समझ रही हो तो मुझे डाले। गलत तो मेरी माँ तुम्हें समझ रही है। मैंने तो पहली नजर में पहचान लिया था कि तुम एक नंबर के लुच्चे लोफर लफंगे हो। भाई बहुत घटिया किस्म के आशिक लगते हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं और ना कहे तो छूना नहीं, और अगर इस कहावत के खिलाफ जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, समझे? और हाँ, आज से इनकी गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलो। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अब देखना क्या है बेटी, शक्ल सूरत से तो भले घर का लगता है, लेकिन ये रहता कहाँ है? माँ वो अचानक जी है ना? हाँ? उनके साथ रहता। अच्छा। है माँ, उन्होंने कहा है कि लड़का बहुत सीधा साधा है, और माँ बेचारा बेरोजगार भी है। ओ। माँ वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, तुम कहो तो मैं उसे ड्राइवर रख लूँ।
इसमें क्या पूछना, रख लो। क्या हुआ, माँ मान गई? क्या? माँ कहती है कि लड़का ड्राइवर कम हीरो ज्यादा लगता है। माँ ने ऐसा कहा? तो माँ से कहना था ना कि बाल बाल काट लूंगा और ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहन लूंगा। कहा था। तो फिर? फिर भी नहीं मानी, कहने लगी इतने खूबसूरत लड़के को ड्राइवर नहीं रख सकती, कहीं मेरी लड़की को भगा के ले गया तो? मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। क्यों बेटा, कौन किसे भगा कर ले जाएगा? नहीं माँ, मैं कह रही थी कि आपने इसे ड्राइवर रख लिया है। हाँ बेटा, पर ये गाड़ी इसके पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर चलाना। आप घबराइए मत माँ जी, मैं इसे अपने दिल से लगा के रखूंगा। अरे आप फिक्र मत करें इंस्पेक्टर साहब, इस बार पुलिस वेलफेयर फंड का ऐसा प्रोग्राम होगा कि आप देखते ही देखते रह जाएं। मेरे दोस्त हरी प्रसाद का बेटा मोहन आजकल मेरे पास आया हुआ है, वो डबल डबल आवाज में गाता है, माइकल जैक्सन की तरह नाचता है। लोगों की जिंदगियों को परेशान कर देगा वो। दादी, मुझे नहीं लगता आपका ये प्रोग्राम होने वाला है। क्यों? मोहन को कुछ हो गया है, वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। कभी कहता है मैं मोहन हूँ, कभी कहता है मैं मोहन नहीं हूँ, कभी कहता है जो आने वाला था वो नहीं आया, और कभी कहता है जो नहीं आने वाला था वो आ गया। पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे तो नहीं लगता आपका ये प्रोग्राम होने वाला है। ये क्या बकवास कर रहा है वो? बोल! ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे? नहीं, आपकी एक घंटे की आवाज से आपके सारे नकली सुपरस्टार नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। मैं तो एक यंग स्मार्ट गुड लुकिंग अपकमिंग हीरो, मैं कैसे नहीं नाचूंगा? आपने सोचा कैसे अंकुल, प्लीज बताइए मुझे। नाचोगे? नाचोगे? I love you बोलो। I love you, 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 I love you। Oh my God, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे love you से। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? I will complain to my सासू जी। Please complain to your सासू जी। Love you. वाले ने क्या चीज बना दी, जब चाहो जो चाहो कर लो है पूरी आजादी, है ना? मैं ना समझी, लव यू के चक्कर में कहीं ना आऊं जाऊं कभी अगर मैं तुझसे छुटकी पाऊं, घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी सो जाऊं तो सारी रात जगड़ता है, सासू जी तेरा लाडला, सासू जी तेरा लाडला, रे लव यू करता।
हेलो लव यू लव यू हेलो लव यू लव यू हेलो आप तुझको मैं प्यार सिखा दूं डरती क्यों है रानी अंग्रेजी ही सही प्यार है कह दे लव यू जानी अरे हट पर है तो कम नियर अरे जा अटस यू ओ डियर अरे प्यार के चक्कर में मैं भूली घर का चक्कर लव यू 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 जरा तरस तू खा ले मुझ पे ना करिए मनमानी तंग आ गई सुनते सुनते सारी प्रेम कहानी तुझसे प्यार करूं तू है मेरी घरवाली मेरे प्यार की खातिर ही तेरे चेहरे पे लाली मिलूं अकेले मैं तुझसे तो नशा सा मुझ पे चढ़ता है सासू जी तेरा लाडला रे लव यू करता है सासू जी तेरा लाडला लव यू करता है जो राम मने तू ई घर में परणाई ई चोरा के चक्कर में मारी हिंदी करवाई को अपनी जान बनाया तेरे नाज उठाए पर तू निकली बेदर्दी जो मुझको ही तड़पाए हाय हाय एक तरफ है सारी दुनिया एक तरफ तेरा प्यार आते ना दे तू मुझको अपनी बाहों का हार ये तेरी दीवानी तेरे प्यार का ही दम भरती है सासू जी तेरी लाडली है सासू जी तेरी लाडली लव यू करते हैं सासू जी तेरी लाडली लव यू करते हैं रात और दिन हो सुबह शाम हो यही पहाड़ा पड़ती है सासू जी तेरी लाडली लव यू करते हैं सासू जी तेरी लाडली लव यू करते हैं I love you, love you, love you, I love you, love you, love you. Oh, please come, I love you. अरे बारे I love you. नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? भाई प्रेम आलूवालिया का फैक्स आया है जिसमें उसने लिखा है कि मोहन का वजन 70 किलो, छाती 38 इंच और कद 5 फीट 10 इंच हो गया है. लेकिन मेरे बेटे का कद तो 5 फुट 11 इंच था. हाँ यही मैं सोच रहा हूँ कि वजन 75 से 70 हो सकता है लेकिन कद 5 फीट 11 इंच से 5 फीट 10 इंच नहीं हो सकता. जरूर प्रेम आलूवालिया से कोई भूल हुई है. भूल उनसे नहीं आपसे हुई है जो अपने बेटे को पराए घर भेज दिया. पता नहीं वहाँ उसे भरपेट खाने को मिलता होगा या नहीं. फोन करके पूछ लेते हैं. आप भी बुढ़ापे में सटिया गए. फोन पे आदमी झूठ भी बोल सकता है. अब तो मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ. हाँ यार मास्टर तूने अपने माँ बाप के बारे में मुझे बताया नहीं. कौन है क्या करते हैं कहाँ. अरे यार फ्लाइट आ गई तू ग्राहक लेके चल जा. साहब जी कहिए आप कहाँ जाएंगे. आपसे मतलब. मतलब है क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आप हमारी गाड़ी में बैठकर जाएंगे. हम मेजर प्रेम सिंह आलूवालिया के यहाँ जाएंगे. आप उन्हें जानते हैं. अरे उन्हें कौन नहीं जानता. आप आँख बंद करके बैठे रहिए मैं आपको तुरंत पहुँचा दूंगा. नहीं मैं अपनी आँखें खुली रखूंगा. ठीक है मैं फिर भी पहुँचा दूंगा. मिस्टर बंदर टोपी चुपचाप रहो और गाड़ी चलाओ. चलो ये मास्टर को अचानक क्या हो गया हमें छोड़कर भाग गया. Thank you.
जान जिंदगी से परेशान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नमस्ते नमस्ते भाभी, नमस्ते। हेलो आंटी। हेलो। हेलो अंकल। अरे चलो चलो अंदर चलो, खाने पीने के इंतजाम करो। आइए। चलो चलो, कैसे हो भाई? अबे मोहन, मेरे मम्मी डैडी आ गए। नहीं नहीं, तेरे मम्मी डैडी आ गए। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अब कहाँ जाऊँ? दाई भाई? नहीं नहीं, सीधा। हे भगवान। अरे भाई हरी प्रसाद, हमेशा की तरह तुम जिंदगी से परेशान लग रहे हो। हाँ। अरे भाई जल्दी से हाथ मुंह धोबो, मालती बिटिया चाय लेकर आती ही होगी। हाँ। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मेरा मोहन नजर नहीं आ रहा है। भाभी ये उसके ऑफिस का टाइम है। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। हाँ। तू इधर से कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, आपकी बेटी से कपड़े ले रहा था। नहीं नहीं, फिर दोस्त को दे रहा था। आई नहीं नहीं, धोबी से वापस ले रहा था। लगता है तुम जिंदगी से परेशान हो। कितना सच बोलते हो। उधर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इधर तुम धोबी को कपड़े दे रहे हो। चलो चलो मम्मी डैडी को चल के मिलो। चलो मैं कहता हूँ चलो। अरे डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? मोहन की मम्मी डैडी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? छोड़िए ना बेटी, मैं इसके बाप को तब से जानता हूँ जब उसे चड्डी तक पहनने को नहीं आती थी। उसे नाड़ा बांधना तो मैंने सिखाया। वो तो सिखाया ही होगा। अगर आप उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो उनके नाश्ते की चॉइस भी आपको पता होगी। चलिए ना किचन में। चलो तुम अपने मम्मी डैडी को जाके मिलो। चलो मोहन, मेरे बेटे है मेरे लाल। अरे तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कहा था तू? माँ आजकल ऑफिस में इतना काम रहता है कि सर तक खुजाने को फुर्सत नहीं। अच्छा? और माँ जो आदमी अपने काम से मुंह मोड़ लेता है ना, वो जिंदगी से भी मुंह मोड़ लेता है। लेकिन तू अपने बाप से मुंह क्यों मोड़ रहा है? डैड। देखा धर्मपत्नी, मेरे दोस्त ने इस नालायक की विचारधारा ही बदल दी। लेकिन काम कर करके कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। मैं दुबला हो गया हूं? नहीं बेटे, तू अच्छा खासा हट्टा खट्टा है, ये नहीं बोल रही, माँ की ममता बोल रही है। करेक्ट डैड। माँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते का अभी इंतजाम करके आता हूँ। जल तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जल तू जलाल। अबे बेटे अगर तेरी मम्मी डैडी को पता चल गया ना कि मैं तेरी जगह पे हूँ, मेरी जान तू ऐसे ही निकाल देंगे। अरे मेरे यार, जो मैं कहता हूँ तो वैसा कर, और ना मैं तेरी ये जान जाने दूंगा ना वो जान जाने दूंगा। जी तू यहाँ चुप जा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं आनी, सोफे के पीछे चुप जा। नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अबे पकड़े जाएंगे, इस कमरे के अंदर चुप जा, ये बहुत अच्छी जगह है। नहीं नहीं, मेरे भाई चुप जा ना, मेरा बाप आ रहा है, जिंदगी परेशान कर देगा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर जाली गुड जाली गुड जाली गुड। हाँ लेकिन कल ये बताओ, ये डबल आवाज फिर से कैसे निकली? अंकल मैंने आपको पहले भी बोला था, जब जब मुझे टेंशन होती है मेरी सिंगल ही नहीं मेरी डबल भी निकल जाती है। टेंशन? कैसी टेंशन? टेंशन नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब रिलेशन, जैसे मेरे माता पिता आए हुए हैं उनसे मिलने की खुशी में मेरी डबल क्या ट्रिपल भी निकल जाती है आवाज। लगता है जिंदगी से परेशान है। चलो चलो फिर छोटे वाला आवाज निकालो, चलो निकालो। क्या बात कर रहे अंकल? नहीं नहीं निकालो अंकल, निकालो अंकल, आपके सामने मुझे शर्म आती है। शर्म? कैसी शर्म? अंकल प्लीज आप उस तरफ घूम जाइए ना प्लीज। ओके ओके निकालो। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। देखा अंकल, निकाली ना। लगता है कि मैं ही जिंदगी से परेशान हूँ। हाँ चलो ये कबर खोलो, फली रखनी मुझे। नहीं अंकल मैं रख देता हूँ ना। अरे खोलो कबर। नहीं नहीं अंकल, आपके लिए मैं कर देता हूँ। खोलो कबान। और देखो अपने डैडी से जाकर बोलो मालती ने नाश्ता तैयार कर दिया है, जल्दी से डाइनिंग रूम पहुंचो। ओके जॉली गुड माय बॉय जॉली गुड। ये लीजिए भाभी जी, ये खाइए आप। नहीं भाई साहब, मेरे मोहन ने अब तक नाश्ता नहीं किया, मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? नहीं। ओहो मोहन बेटा अभी अपने ऑफिस में काम कर रहा है। धर्म पत्नी खा लो, प्रेम सिंह आलू वालिया का माल नसीब वालों को ही मिलता है।
अच्छा भाई प्रेम, हाँ। नाश्ते के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे साहबजादे ऑफिस में काम कैसे करते हैं। भाई आलूवालिया, तुम्हारा ये सिस्टम हमें बड़ा अच्छा लगा, आगे मकान पीछे दुकान। डैडी, मद्रास से कोई मिस्टर अय्यर आपसे मिलने आए हैं। ओहो अय्यर, अरे हरिप्रसाद तुम अपने बेटे से जाकर मिलो, मैं जरा अय्यर को निपटा कर आता हूँ। अरे मेरे डैडी आ गए, मेरे डैडी आ गए, अरे भाग कर जा रहा, इधर आ, इधर। मुझे टाइप करना नहीं आता। मिसेस रॉबिन्सन एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्लैक्सो, लेस्ली लेन, स्कॉटलैंड। डियर सर, दिस इज टू रिप्लाई टू योर लेटर डेटेड 17 जुलाई 1996। यू ब्लडी इडियट, अरे ये क्या लिख दिया तुमने? अरे मैंने ग्लैक्सो नहीं ग्लैक्सको कहा था, और स्कॉटलैंड यार्ड नहीं स्कॉटलैंड कहा था। कहाँ से डिग्रियां लेकर आ जाते हो तुम लोग? स्कॉटलैंड यार्ड और स्कॉटलैंड में कोई तो फर्क होगा ना यार। शाबाश बेटे शाबाश, अरे तू तो अपने बाप की तरह काबिल हो गया है। बेटे तू क्या था और क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ तू अपने घर चल और वहीं चलकर अपना कारोबार संभाल। नहीं डैड, मैंने यहाँ पर एक और कारोबार शुरू कर दिया है, और जब तक यहाँ का काम पूरा ना हो जाए मेरा घर आना मुश्किल है। घर आना भी नहीं चाहिए, प्रेम आलूवालिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इधर तूने हाँ की और उधर मालती से शादी पक्की। शादी? किसकी शादी डैड? मेरी शादी। हा? क्या कह रहे हैं डैड, इस उम्र में आप? क्यों बाप से मजाक करता है? बेटे मैं जानता हूँ कि मालती तुझे बहुत पसंद करती है, तू हाँ कर देना। डैड वो मालती तो आधी पागल है, I mean she's 50% mad डैड। अरे बेटे जब कोई किसी को चाहने लगता है ना तो पागल हो जाता है। मैंने भी जब तेरी माँ को देखा था तो मैं भी पागल हो गया था। इसी तरह दिल लगाकर काम करता रहे। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके डैड। अबे मोहन के बच्चे, मेरी जान को पागल कहता तेरी तो। बड़ा आया जान वाला, तुझे ये जान तो मेरे वजह से मिली है। अबे मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, बीच में तेरा क्या? कौन बेटे? यस ये मेरा बाप है, तू बैठ जा जल्दी बैठ। अबे तेरा टोपी आ, यस सट कमान। हरियाप हरियाप रॉबिन्सन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, शुगर केन स्ट्रीट, ग्लैक्सो, स्कॉटलैंड। As per your letter dated 1870, when I was born, we came to an agreement that you'll send 100 ta... मैंने तुम्हें स्कॉटलैंड बोला था और तुमने वाटलैंड लिखा। यहाँ पे किसकी वाट लग रही है? हाँ, I want to know now, 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 come on, tell me now. Good, good, jolly good, jolly good. Keep it up, मोहन बेटे, तुम्हारे डैडी आए थे तुम्हें मिलने के लिए? आए थे? इससे नहीं नहीं मुझसे मिलके गए। गिव इट अप, गिव इट अप। जान बची तो लाखों पाए घर के बुद्धू घर को आज, जान बची तो लाखों पाए घर के बुद्धू घर को आज, जान बची तो लाखों। प्रेम मेरा बेटा कितना स्मार्ट हो गया है। भाई ट्रेनिंग किसकी है, भतीजा किसका है, हा? बेटा किसका है, पैदा किसने किया है? गुड जाली गुड। अरे बेटा मोहन, तुम्हारे डैडी मम्मी जिंदगी से परेशान है, आज ही शाम की फ्लाइट से वापस जाना चाहते, इन्हें समझाओ। क्या करूं बेटे, मैं रुकना तो चाहता था मगर वहां ऑफिस में ढेर सारा काम पड़ा है। तेरी माँ की जिद थी, वो अपने लाडले से मिलना चाह रही थी, तो बड़ी मुश्किल से एक दिन निकाल कर चला आया। अब जल्दी से अपना काम निपटा कर हमें एयरपोर्ट छोड़ा, चल बेटे चल 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 चलो 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 चलो। मोगैम्बो खुश हुए। भाभी अब तो आपको यकीन हो गया ना, आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदगी से परेशान नहीं है। जी भाई साहब। भाई प्रेम अगर तुम हमारे बेटे को नहीं सुधारते तो हम जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। डैडी डैडी आपका लंदन से फोन आया है। अच्छा अबे हरिप्रसाद तुम एयरपोर्ट चलो, मैं बाद में आता हूँ। बेटी मोहन कहाँ है? मोहन अंदर है, आप लोग चलिए आंटी, मैं बुला के लाती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ प्यारी है, चलो। मोहन मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टेबल साफ कर रहा था। अरे छोड़ो इसे, वो लोग जा रहे हैं। कौन? तुम्हारे मम्मी डैडी। वो मेरे मम्मी डैडी नहीं है। मजाक मत करो, चलो ना नहीं है। चलो ना नहीं है। ओ, चलो ना नहीं है। चले डैड। अरे भाई कहाँ थे तुम? बस थोड़ा ऑफिस में काम था। जल्दी करो, मुझे रास्ते में अपने पार्टनर से भी मिलना है, जल्दी करो। हाँ चले चले। अरे अरे अंकल रुकिए। माताश्री
मोहन रो मत। ओफो, उन्हें कुछ हुआ नहीं है, वो सिर्फ गए हैं। मालती, कितना बड़ा अलर्ट हो गया। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे माताश्री पिताश्री आए, उनको मैं विदा भी नहीं कर सका। मालती, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा? अरे मोहन, मुझे एक आइडिया है, चलो हम उन्हें एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। नहीं, नहीं, उनको खामखा तकलीफ हो जाएगी, उनको उड़ने दो, उड़ने दो। डैड, जरा जल्दी करना। बस बेटे गया और आया। मिस्टर सनी, मिस्टर सनी, मिस। अरे सेठ जी, आप अचानक बैठिए ना प्लीज। आइए सेठ जी, यूं अचानक आप यहाँ, कोई खतार कुछ नहीं, सब खैरियत है? अरे भाई, सब खैरियत है। आजकल मेरा बेटा यहाँ ठहरा हुआ है, उससे मिलने आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। सेठ जी, आपका बेटा हमारे इलाके में, हमें खबर तक नहीं। ये बैठ, चलिए, बहुत देरी हो रही। चलिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो। अरे हाँ भाई सनी, ये मेरा बेटा मोहन है, और मोहन ये है मेरे पार्टनर सनी। हाय, नाइस टू मीट यू। चलें डैड। चलो सनी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हरि प्रसाद का बेटा और ड्राइवर। अब समझा मैं कि ये काजल का ड्राइवर क्यों बना। डैड, अगली बार जब आप आए तो आने से पहले खबर कर दीजिएगा। क्यों? ताकि मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ सकूं। हाँ जरूर जरूर, अब तो तू गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाने लगा है। थैंक यू डैड। बेटे, अगली बार जब हम आएंगे तो बहू को साथ ले जाएंगे। बहू? हाँ। कौन सी बहू? मेजर साहब की बेटी मालती। देखा भाग्यवान, हमारा ये निकम्मा बेटा कितना काम का हो गया है। बेटे, इसी तरह दिल लगाकर काम करना और अपने बाप का नाम रोशन करना। यस डैड। चले, अभी चलते हैं बेटे। ओके ओके, चलो। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया वे विमान की ओर प्रस्थान करें, धन्यवाद। मास्टर, क्या बात है, बन कर गए थे कुछ, बन कर आए कुछ। यार, हो तो तुम गरीब, लेकिन तुम्हारे माँ बाप है बड़े अमीर, ये माजरा क्या है मास्टर, कुछ समझ? भाई अचानक, ये दुनिया है गोलम गोल और मामला है पोलम पोल, तो पोल को मत खोल, घूमने तो सब गोल गोल। लेकिन ये, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया अचानक? तू उस पहलवान को संभाल, मैं चला काजल से मिलने। अरे ये शाहरुख को मैं कैसे संभालूंगा? मोहन, जब से तुम इस गाड़ी के ड्राइवर बने हो ना, मेरी तो आफत ही आ गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, सारा दिन मुझे ही घुमाते रहोगे तो मम्मी को पैसा कमा के कहाँ से दोगे? और अगर मम्मी को पैसा कमा के नहीं दोगे तो मम्मी नौकरी से निकाल देगी। देखो भाई, तुम्हारी माँ मुझे चाहे नौकरी से निकाल दे, लेकिन तुम मुझे अपने दिल से नहीं निकालना, वरना इन पहाड़ों से कूद के जान दे दूंगा। हाँ। लगता है इन पहाड़ों से कूद के जान देनी ही पड़ेगी। दिल चुराने वाले, चैन चुराने वाले इस तरह से पहाड़ों से कूदा नहीं करते। तो फिर
आखिर चोर की चोरी पकड़ी गई, हाँ? तुमने सोचा था कि तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन मिस्टर ये आंखें सनी की हैं। सेब का रंग देख के ही पहचान सकता हूँ कि कौन से खेत की मूली है। हाँ, वैसे तुम्हारी चाल कुछ दिन और चल जाती अगर तुम कल डैडी के साथ मेरे घर आने की गुस्ताखी नहीं करते, और वो तुम्हारी पहली और आखिरी भूल थी। अब तो तुम फंस गए हो, क्योंकि मैं काजल को बताने वाला हूँ कि तुम और कोई नहीं बल्कि बंबई के करोड़पति सेठ श्री हरिप्रसाद जी के करोड़पति बेटे हो, जो काजल को फंसाने के लिए ड्राइवर बनने का नाटक कर रहा है। फंस गए हो तुम, अब बताओ आप किससे बात कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर मोहन सेठ से, आपसे और किससे? आपका दिमाग वाकई खराब हो गया है। आधे घंटे से क्या बकवास किए जा रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। मिस्टर सनी, अपने बंगले जाइए, आराम कीजिए, जाइए। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ तो ठीक है, एक चीज बताओ, क्या तुम कल के दिन अपने डैडी के साथ मेरे घर पे नहीं आए थे? हाँ, बोलो, चुप क्यों हो गए हो? बोलो बोलो। डैडी? हाँ डैडी। बाबूजी, बाबूजी, अरे मेरे बाबूजी को तो मरे 10 साल हो गए। आज अगर मेरे बाबूजी जिंदा होते तो मुझे लंदन, अमेरिका, पेरिस भेजते पढ़ने के लिए, यहाँ सड़ाते। अरे आज मैं भी कुछ बन पाता, मेरे पास भी ऐसी चार चार गाड़ियां होती। बाबूजी, जाइए, आप अमीर लोग, हम गरीबों का मजाक उड़ाते। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम अपने झोपड़े में ही खुश हैं। अरे जाइए बाबूजी, जाइए अपने बंगले में ऐश कीजिए। बाबूजी सुनो, मैं क्या बोल, जाइए ना। बाबूजी, ईशा एक बात बताओ, क्या एक ही शक्ल के दो आदमी हो सकते? चढ़ गई है क्या, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? माय स्वीट हार्ट, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। ईशा, मैंने हकीकत में एक ही शक्ल के दो आदमी देखे। क्या? जी हाँ, एक मामूली सा ड्राइवर है और दूसरा जो है वो करोड़पति सेठ का बेटा है। और वो करोड़पति मैं हूँ। मिस्टर सनी,
डैड ने मैसेज भेजा है कि आपको आपका चेक एक दो दिन में मिल जाएगा। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं ईशा, ये मेरे पार्टनर हरिप्रसाद जी है ना, उनके बेटे मोहन है। और मोहन, दिस इज ईशा। हाय, हाउ डू यू डू? वेरी फाइन। इनके चेहरे पे इतनी गंभीर समस्या क्यों नजर आ रही है? मिस्टर मोहन, अब आप ही बताइए, क्या आज की दुनिया में एक ही शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं? व्हाट? ऑफ कोर्स नॉट। सनी का कहना है कि उसने दो आदमी ऐसे देखे हैं जो हूबहू एक ही शक्ल के हैं। मिस्टर सनी, आप भी अजीब उल्लू के पट्टे हैं, गधे के बच्चे हैं। आपको जरूर कोई बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अब वो मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकेगा। मोहन! 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 मेजर प्रेम मेरे अंकल हैं। वो तो बाहर गया। आपकी तारीफ? मोहन कह रहा हूँ बॉम्बे। हाँ, आप बंबई वाले करोड़पति श्रेष्ठ श्री हरिप्रसाद जी के बेटे मोहन, करेक्ट? हाँ हाँ, आपने सही फरमाया। जानता था मैं, एक मिनट। लेकिन फिर वो कौन था जिसे हरिप्रसाद जी ने मुझसे मिलवाया था? उसका भी तो नाम मोहन था। वो उस हरिप्रसाद का बेटा था। क्या मतलब? उसके बाप का नाम भी हरिप्रसाद है और मेरे बाप का नाम भी हरिप्रसाद है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब उस हरिप्रसाद का बेटा मोहन है तो इस बेटे मोहन का बाप हरिप्रसाद क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब दोनों बाबों का नाम हरिप्रसाद है तो दोनों बेटों का नाम मोहन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर मैं अबे ये मगरमच्छ कहां से आ गया? मैं समझाता हूँ, आप जिस हरिप्रसाद की बात कर रहे हैं उसका बेटा मैं नहीं हूँ, और मैं जिस हरिप्रसाद की बात कर रहा हूँ उसका बेटा मैं हूँ। लगता है आप समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया। क्या समझ में आया मियाँ? अरे बैठो, मैं समझाता हूँ। सुनो, उस हरिप्रसाद का बेटा वो मोहन है जिसके तुम बेटे नहीं हो, और इस हरिप्रसाद के बेटे तुम हो जिसका वो बेटा नहीं है, करेक्ट? समझ गए कि नहीं? बताओ। कुछ समझ में नहीं आया। कमाल करते हो, मुझे तो समझ में आ गया। एक शक्ल के दो बेटे नहीं, एक बेटे के दो बाप नहीं, दो पागल हो जाऊं। अबे गोचू, जब मुझे खुद को समझ में नहीं आया तो तुझे क्या समझ में आएगा? पागल है, कहता है मेजर अंकल से मिलना है। जाली गुड, जाली गुड। अरे भाई क्या बात है सनी, आज सुबह सुबह जिंदगी से परेशान लगते हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, हरिप्रसाद जी के बेटे मोहन से मिलने आया। तुम मोहन को जानते हो? अरे अंकल, मोहन तो मेरा खास दोस्त बन गया। अच्छा? बस यूं ही मन में कुछ सवाल उभर आए थे, सोचा कि मोहन से मिलके कुछ हल निकालूं। अच्छा, यानी कि मोहन से मिलकर तुम अपनी उलझनों को दूर करना चाहते हो? मोहन! हेलो, पुलिस कमिश्नर साहब बोलिए।
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मोहन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा तो खैर आप खुद शिप ले आइए, मैं मोहन को आपको यही मिलवा दूंगा। प्लीज डू कम डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। अब अंकल पुलिस का फोन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मोहन के साथ? नहीं नहीं कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मोहन मोहन बेटा सोहन कसम जा, इसी में तेरी भलाई है। भाई साहब माजिस दो। ये क्या उलिया बना रखा यार? जब मैं मोहन नहीं रोहन घोड़े वाला, तुम माचिस देता कि नहीं? हाँ देता हूँ देता हूँ, ये ले रख। लगता है जुकाम हो गया है? ए, इधर उधर क्या देखता है, गर्दन पकड़ लेगा एक जगह देखने का। ठीक बोला, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होने वाला है, देखते रहना। ठीक है बस। हे भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे तो दो दो नजर आ रहे हैं। हटाओ यार, तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा। किससे करोगे प्यार? इसको। मुझसे क्यों नहीं, क्या कमी है मुझ में? हसीन हूँ। ओ जवान हूँ, चाहत का नशा। हटाओ यार, हमें ये चाहत का नशा नहीं चढ़ता, इस अंग्रेजी का नशा चढ़ता है। तुम तो देसी हो। ठीक है चल। नहीं मुंह मोड़ूंगा नहीं, मुझे सीने से लगा।
तू रसगुल्ला बंद बोतलों की तू शराब वाला जी कपड़े क्यों पहने? ऐ तू इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। अच्छा। गंदी लगती है। ऐ लज्जू तू पहले जो कपड़े पहन के यहाँ से आई थी ना यूं करके तू उसमें बहुत अच्छी लगती है। जाके वापस पहन। अरे मेरे शराबी पति मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। करना तू सारी पगार इन शराब की बोतलों में घोलकर पी गए क्या? अरे लज्जू कुछ बचा भी है कि नहीं? घर चल मैं तुझे। अमिताभ बच्चन बोला वार्डन साहब। रजनीकांत वणकम सर। मिथुन चक्रवर्ती केला। मोहन बाबू का पता चला? जी नहीं। अरे बेवकूफो हीरो बने हुए फिरते हो। अमिताभ बच्चन जी एबीसीएल के मालिक, रजनीकांत जी पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक, और मिथुन चक्रवर्ती जी पूरे ऊटी के मालिक। वो कहां से कहां पहुंच गए और तुम एक मोहन बाबू का पता नहीं लगा सके तो तुम क्या खाक हीरो बनोगे? चलो हम सब मिलके मोहन बाबू का पता लगाते हैं। दारू खत्म हो गया, हटाओ यार। कौन है ये बदतमीज? दारू जाइए, दारू। मोहन? दारू जाइए। ओ मोहन कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया मोहन। मैं फुगट का माल लग रहा हूँ क्या? जो भी यहाँ से जाता है गले लगता है। ओ मोहन कहाँ चले गए थे तुम? हट जाओ यार। अरे सुनिए ना, मैं आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। चुप, मैं तेरा वो नहीं हूँ रोहन, मैं हूँ मोहन। मोहन मोहन शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? आपने मुझसे शादी की है, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मैं तेरा हो गया तो उसका क्या होगा? किसका क्या होगा? देखो तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, याद है ना मेरे डैडी का हंटर। हटाओ यार। क्या हटाओ? आपका यह मनुष्य चेहरा। भैया भैया क्या हुआ लाजो? ये क्या बोल रहे? मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ कह रहे। जीजा जी आप ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? मैं आपका साला हूँ और ये आपकी पत्नी लाजो है। हटाओ यार। ए छोकरी तूने क्या बोला था? दारू पिलाएगी ना? दारू का है, दारू। बोरी दारी दारी देखो मोहन को क्या हो। बदतमीज ये अंग्रेजी माल नहीं चाहिए। टर्रा निकाल टर्रा। बदतमीज इतने दिन बाहर क्या रहा? तमीज भी भूल गया? इतने दिन कहाँ था गधे? गधा किसको बोला? तुम्हें तुम्हें
अबे ओ बुड्ढे, आगे कुछ बोला ना तो उल्टे हाथ का एक खींच के दूंगा। तुम मेजर प्रेम सिंह अहलूवालिया को नहीं पहचानता? तू रोहन घोड़े वाले को नहीं जानता? घोड़े वाला? What is this nonsense? अरे ये तुम नहीं, तुम्हारा दारू बोल रहा है। तू मेरा होने वाला दामाद मोहन नहीं है क्या? फिर से तू मोहन बोला? अबे इस छोकरी को पिछले दो घंटे से बोल रहा हूँ कि मैं मोहन नहीं हूँ, मोहन नहीं हूँ, रोहन हूँ, रोहन, वो भी घोड़े वाला। और क्या बोला? इतना ज्यादा दारू दिया तूने और दामाद बनाएगा? और वो जो मेरी जोरू जो घर में बैठी है उसका क्या, अचार डालू? जोरू! अरे, अरे, अबे ओ बुड्ढे, तेरी बेटी को बोल चुप रहने के लिए, मुझे कुछ होता है दिल में। वार्डन! कुछ हो रहा है। पुट हिम बिहाइंड बार्स! क्या बोला? मर जाएगा, अबे जल्दी मर जा। डैडी, डैडी, मुझे तो लगता है हमारे मोहन पे कोई भूत सवार हो गया है। फिक्र मत करो बेटी, इसका भूत उतर जाएगा। हाँ बोल, तू किसका भूत है? मोहन का। कहाँ से आया है? मुंबई में एक जगह है अंधेरी, वहाँ से। यहाँ अंधेरा करने क्यों आया है रे? क्योंकि वहाँ पे बिजली चले गई। तो वापस अंधेरे में चला जा। चले जाऊंगा, पहले मेरे पाँव तो खोल। खोलेंगे, लौट के वापस तो नहीं आएगा ना? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? उतारो रे, उतारो, नीचे उतारो इसे। आने दे, आने दे, आने। भिन्न 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 धार 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 मन के भूत। थक गया रे, क्या खाएगा? पाव भाजी। पाव भाजी यहाँ नहीं मिलता। मुर्गा, बकरी, शराब, सिगरेट। सिगरेट ही दे दीजिए। लगा वो मैं बत्ती। धार 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 धार। क्या हुआ रे? या लघुशंका का क्या? सुन, अगर थोड़ी देर से आया तो चलेगा? ओ, दीर्घ शंका भी करेगा क्या? ज्यादा टाइम लगता है रे, क्या ले टाइम। तांत्रिक महाराज, मेरे स्वामी तो चले गए। कुछ नहीं, मोहन की गंदगी निकल जाएगी और पवित्र होकर तेरा सोहन तेरे पास आएगा। मेरी माँ तुमसे धोखा खा सकती है, मैं नहीं। मैं जानती थी कि तुम हमें पैसे देके हमारे परिवार पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि मेरी कीमत लगा रहे हो। गलत तो मेरी माँ तुम्हें समझ रही है। मैंने तो पहली नजर में पहचान लिया था कि तुम एक नंबर के लुच्चे लोफर लफंगे हो। चीखना बंद कर। कमीने, आखिर आ गए अपने औकात पर? तुम क्या समझते थे
मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं। काजल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे महलों को मैं अपनी बेटी का मजार नहीं बनाऊंगी। बुढ़िया एक चीज याद रख, मेरा नाम सनी है। अगर काजल मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा, समझे? खामोश! जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और सुन बुढ़िया, ये जो तू ख्वाब देख रही है ना, तेरे जीते जी कभी पूरा नहीं होगा और तेरे मरने के बाद मैं पूरा नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहाँ से और ले जाओ अपना ये कफन, इसमें तुम्हारे गुनाहों की बू आ रही है। नहीं काजल, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और के नहीं होने दूंगा। सनी डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की? मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए नहीं लाया था। मैं जानती हूँ तुम काजल के लिए लाए हो। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? वो इसलिए कि मुझ में वो क्या नहीं है जो उसमें है? क्या मैं जवान नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ? क्या उसकी आंखों में मेरी आंखों से ज्यादा नशा है? बताओ, बताओ तो मुझ में क्या कमी है जो तुम उसके लिए पागल हो रहे हो? तू जानना चाहती है? हाँ, जानना चाहती है तू? तू तो एक बुझती हुई आग है। और काजल, काजल एक भड़कता हुआ शोला है। उसमें एक अजीब सी कशिश है, उसमें जवानी का जोश है, एक गरमाइश है। वो ऐसी शराब है जिसे देखते ही नशा हो जाए। तू तू हाँ? तू इस टूटे हुए ग्लास की तरह है जिसमें शराब तक नहीं पी जा सकती। यू बास्टर्ड, मेरी जिंदगी बर्बाद करके उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हो जो तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तो एक दरवाजा बंद किया है, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दूंगी। तुम्हें कहीं से भागने का मौका नहीं मिलेगा सनी, कहीं से भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो बिल्कुल सच है। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, मगर मैं हैरान हूं कि सनी शराफत की आड़ में इतना घटिया काम कर रहा है। अब वो कानून के हाथों नहीं बचेगा। आइए मेरे साथ। सनी, 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 सनी। यस इंस्पेक्टर। मिस्टर सनी, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? जुर्म एक हो तो बताऊं। तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट तो तुम्हारी उम्र से भी लंबी है। और ये लिस्ट इंस्पेक्टर आपको इस औरत ने दी है। हाँ। जी, और अब मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दूंगी, और मेरी गवाही तुम्हारी तबाही होगी मिस्टर सनी। इंस्पेक्टर, आपको इस औरत की बातों पर यकीन है? अगर मुझे इनकी बातों पर यकीन ना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? सही बात है। खैर छोड़िए इन बातों को, जब आप आए गए इंस्पेक्टर तो ये बताइए कि क्या पिएंगे आप? विस्की, बियर, रम? बियर तो मैं पीता नहीं, विस्की जरूर पीऊंगा, वो भी तुम्हारी इस नमकीन के साथ। कुत्ते कमीने, मैं तो तुझे एक ईमानदार इंस्पेक्टर समझी थी, मगर तू तो उसके तल में चाटने वाला कुत्ता निकला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे।
कुमारत चली थी मुझे अरेस्ट करवाने। सिंह कमीने ये क्या कर दिया तुमने? तुम शायद ये भूल रहे हो कि औरत अगर वफा में जान दे सकती है तो बेवफाई में जान ले भी सकती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, सोलंग वैली में वेस्टर्न हिमालयन एक्सपेडिशन के बोर्ड के पास एक हरी रंग की जिप्सी खड़ी है, उसमें इंस्पेक्टर साहब मैंने दो लाशें देखी हैं। मोहन अब तो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता, पर काजल को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पटरी पे दौड़ेगी मेरे दिल की रेल, आशिक इंजन माशुक डिब्बा दौड़ा जाए दिल का मेल, प्यार की झंडी हिल जाए यार का सिग्नल मिल जाए, प्यार की झंडी हिल जाए यार का सिग्नल मिल जाए, इंजन मेरा सीटी मारे थोड़ा सा धके, तेरे दिल की पटरी पे दौड़ेगी मेरे दिल की रेल, आशिक इंजन माशुक डिब्बा दौड़ा जाए दिल का मेल।
दो लाशें थी और उसके ड्राइवर तुम थे, तुम फिर भी कहते हो खून तुमने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने खून किया होता तो मैं लाशों को नदी में बहा देता, जमीन में गाड़ देता, अपनी गाड़ी में क्यों रखता? फिर खूनी कौन है? खूनी मैं हूँ। क्या? मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब और इसे छोड़ दीजिए। सर, ये मेरे बचपन का यार सोहन है। अरे ये नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है मुझे बचाने के लिए। आप इसकी बातों में मत आइएगा। अक्सर देखा गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाने के लिए एहसान का नाटक रचता है। नाटक? मैं नाटक नहीं कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, ना ही मैं अपने दोस्त के लिए एहसान जता रहा हूं। सच तो यह है, मैं ईशा को दिल और जान से चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला ईशा उस हरामजादे इंस्पेक्टर सिंह को चाहती है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने उन दोनों का खून कर दिया। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब और इसे छोड़ दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू मेरे खातिर फांसी पे चढ़ जाना चाहता है? अबे पगले, तुझे जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाना है। तेरे तो मम्मी डैडी है जो तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकते। मेरे आगे पीछे कौन है? कोई नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ तू ही है। देख, इस गरीब दोस्त को तूने जिंदगी की हर खुशी दी है और क्या चाहिए मुझे? एक सच्चे दोस्त के नाते मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, उन दोनों का खून मैंने किया है, इन्हीं हाथों से किया है। आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं ही खूनी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातें बताइए, खूनी मैं हूँ? नहीं, मैं खूनी हूँ। खूनी मैं हूँ सर? नहीं, मैं खूनी हूँ। नहीं नहीं, खूनी मैं हूँ सर। मैं खूनी हूँ। खूनी मैं हूँ। मैं खूनी हूँ। मैं हूँ। मैं खूनी हूँ। अरे मैं खूनी हूँ। अरे मैं खूनी हूँ। अरे मैं खूनी हूँ। मैं खूनी हूँ। शट अप, ये सब क्या हो रहा है? हल्ला बंद कर दो। ऐसे भी अपने आप को मैंने तुझे अंदर कर दिया था, बाहर कैसे निकला? तूने मुझे अंदर कब किया था जो मैं बाहर आऊं? अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये बड़ा चलता फुरसा है। इसका दोस्त हमारे होटल से पैसे दिए बगैर भाग गया। साइकिल पे मैंने उसका साइकिल पे। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, छोड़ दे इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बम्बई की फ्रॉड पार्टी है। इन दोनों ने भेष बदल बदल कर आदि मनाली को लूट लिया है। अरे चुप, मैं मनाली का घोड़े वाला रोहन हूँ। रोहन, मैं मनाली को क्यों लूटूंगा? तू मोहन है। मैं रोहन हूँ। तू मोहन है। मैं रोहन हूँ। तू मोहन है। अच्छा, तू रोहन है। मैं मोहन हूँ। तू रोहन है। मैं मोहन बोल। क्या? हवलदार, बंद कर दो इसे, बंद कर दो। रामा दुहाई, रामा दुहाई, ये क्या चक्कर है भाई? क्या बात है, जिंदगी से परेशान लगते हो? ठीक कह रहे हो मेजर। अरे भाई, मेरा मोहन कहाँ है? कहाँ है मेरा मोहन? तीन तीन आवाजें। अरे भाई, दो आवाजें तो सुनी थी, जो तीसरी कहां से पैदा हो गई? बेटे मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तूने दो दो खून कर दिए। अंकल, ये जो आपने इल्जाम सुना है ये बिल्कुल गलत है। हैं? और ये बात कि ये मोहन है ये भी गलत है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंकल, आपके दोस्त हरि प्रसाद का बेटा मोहन, मोहन ये नहीं, मोहन मैं हूं। हैं? ये मेरा दोस्त सोहन है। What are you talking? अंकल, ये अमीरी की जिंदगी जीना चाहता था और मैं आजादी की, इसलिए हम दोनों ने खेल खेला और I see. तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है? रिटायर्ड मेजर प्रेम सिंह अहलूवालिया को, जो आज तक लोगों की जिंदगियों को परेशान करता रहा है, आज तुमने उसकी जिंदगी को परेशान कर दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हाँ
अंकल, अंकल हम दोनों बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये मेरा दोस्त दोस्ती निभाने के लिए खामखा मेरा इल्जाम अपने सर ले रहा है। अंकल ये झूठ बोल रहा है, मुझे बचाने के लिए ये मेरा इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। एक मिनट, मतलब ये कि तुम इसकी खातर और ये तुम्हारी खातर जान की बाजी लगा रहा है, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रहे हो। जाली गुड, जाली गुड। कुर्बानी चाहे देश के लिए हो या दोस्त के लिए हो, कुर्बानी देने वाला हमेशा महान होता है। मैं तुम दोनों की दोस्ती की महानता को सल्यूट करता हूं। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं साहब जी। तुम वही घोड़े वाला? अरे साहब जी, आपने इस घोड़े वाले को पहचान लिया? साहब जी आप बहुत अच्छा आदमी है। अरे तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया है। खैर, मैं तुम तीनों को जमानत दिलवाऊंगा। हाँ साहब जी। मेजर साहब, उनकी जमानत मैं नहीं कर सकता। क्यों? हमारे नए कमिश्नर साहब, जिनका तबादला आज इसी शहर में हुआ है, वही कर सकते हैं। कहाँ है वो? गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब, वेलकम टू मनाली। आई एम रिटायर्ड मेजर प्रेम सिंह अहलूवालिया। यस। जिंदगी से परेशान लगते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। क्या बकते हो? उसकी जमानत कैसे हो गई? किसने दी उसकी जमानत? प्रेम सिंह अहलूवालिया ने। मेजर प्रेम सिंह अहलूवालिया, तुझे मैं देख लूंगा मेजर। केविन। जी सर। इससे पहले कि मोहन यहां आ जाए, काजल और उसकी मां को यहां ले आओ। मैं आज ही उससे शादी करूंगा। जाओ। आखिर आए गए ना अपने औकात पर, पर तुम्हारा मुझसे शादी करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तेरे प्यार में अगर मैं ईशा का खून कर सकता हूं, तो जरा सोच, तुझे पाने के लिए मैं तेरी मां का क्या हशर करूंगा। काजल, मैं तेरा दीवाना हूं, तेरा पागल हूं मैं। देख, तू जाकर शादी के लिए तैयार हो जा। जा, जा। तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन शादी के लिए नहीं, तेरी मौत के लिए। काजल, बगल वाले कमरे में तेरी मां बंद है और उसके जिस्म पर एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ है। अगर 4 बजे तक तैयार नहीं हुई शादी के लिए, तो ये जो रिमोट है ना, ये दब जाएगा और तेरी माँ के चिथड़े चिथड़े उड़ चलेंगे। जा, तैयार हो जा शादी के लिए। गुड गर्ल, जा। पंडित का क्या हुआ? अयो, कैसा शादी है जी? हमको कुछ समझ में नहीं आता। ना बैंड बाजा, ना बाराती है। सांबर, दूल्हा कौन है जी? दूल्हा मैं हूँ। अयो, रसम, तुम? हाँ। दूल्हा? हाँ। अयो, हमको बड़े शर्म हुआ था जी। लेकिन तुम, एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है? डेफिनेटली। देखा जी? जरूर देखा होगा जी। हमारा नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जी। तुम लड़की को जल्दी। अरे लड़की लड़की ऊपर है। तेरी माँ के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। छोड़ दो मेरी माँ को। तुम लोग जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार। नहीं बेटी। तुम यार सनी, ये कमाल के आदमी हो, शादी करने जा रहे हो और मुझे नहीं बुला। शा,
पता तेरी शादी के लिए जमानत में छूट के आया हूँ जेल से। अभी छूट के आओ ना, वापस नहीं जाओगे। अबे इडियट, बारातियों से ऐसा बर्ताव किया जाता है? सनी बाबा, सनी क्या हुआ तुझे? अरे आई डू इट हैप्पी। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है? सन्नी, मेरा बेटा सन्नी, लग गई तुझे? आइया, ये भूतनी का कहां से आ गया जा? अयो कड़वले मुर्गा, अब सब जगह आग लगेगा जी। ओम सर्व मंगलम स्वाहा, मोर के बच्चे तो जल्दी आ जावेगा। पंडित जल्दी से फेरे करो। देखो जे, ये शादी है जे, कोई बच्चे का ख्याल नहीं जी। हम जल्दी करेगा, सब कुछ गड़बड़े हो जाएगा जी। तुम जाओ जाओ। करता है कि नहीं? तुम बार बार ये क्यों दिखाता? हम करेगा करेगा, तुम जाओ। ओम सर्व मंगलम स्वाहा, इंद्रा मीनू बेटी, अब तुम भी खड़े हो जाओ, भगवान का नाम लो। ओम सारा मंगलम जहान मोहन, तू जल्दी आ जा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंतरा दिन दिन जहान, अंतरा दिन जहान, अंतरा दिन दिन जहान, अंतरा दिन दिन जहान, अंतरा दिन दिन जहान। पंडित जी आइयो। मोहन, मोहन, मेरे ही घर में मुझे बेवकूफ बना? पंडित जी ये शादी नहीं हो सकती। क्यों रे? ये तेरा आपा का मंडप रे, देख रहे है? ये पंडित नकली, मगर ये शादी असली। तू एक काम कर, ये मोच तू रख ले, बाद में काम में आएगा। ये छोटी भी तू रख ले, तेरे बीवी का जाड़ा बनाने में काम में आएगा। डे ना ये पन्नी उन्हें सावन चिरोड़ा तुझे पट डामिंद बीये पर नहीं रहना, ये लड़ा रंजन के सांबा रिडली दोस्त है। ये शाद फेरे हो गए रे, हो गए। फिर उल्टे करो। अब फिर उल्टे करवाओ या सीधे करवाओ, इन दोनों की शादी तो हो चुकी है। कानूनन ये एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं। मेजर प्रेम सिंह आलूवालिया। मैं मेजर प्रेम सिंह आलूवालिया नहीं हूँ, पुलिस कमिश्नर योद्धा सिंह हूँ। ओ, 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 पुलिस कमिश्नर योद्धा सिंह। मेजर अंकल, एक चीज बताइए, किसी नाटक कंपनी से आपने ये खाकी वर्दी भाड़े पर लाई है या खुद भरते हो क्या? बताइए बताइए। मेजर अंकल, आपको क्या लगता है कि आप ये नीली रंग की टाई और ये खाकी रंग की टोपी और ये वर्दी के चमकीले काले काले जूते पहनकर आप मेरे ही घर में मुझे ही बेवकूफ बना सकते हैं? बेरूपिया बदतमीज। क्यों, जिंदगी से परेशान हो गए ना? अटा Thank you.
नंजवन पति अड़ जा। तू बैठ रहे तेरी तो अम्मा, अभी अम्मा याद आ रहे, आज तो कोई मर्द को बच्चा नहीं हो रहे, हम लात मारेंगे तेरा सब कुछ याद रहे भेदभाव। Attention! Salute! Shoot very fellow! हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। पर गुर्दार, खून करना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है। जब मैं इंस्पेक्टर के सिंह और ईशा का खून कर सकता हूं, तो मैं तुम्हारा भी खून कर सकता हूं। तो तुम ही वो मुजरिम। अबे घोचू, मैं मोहन नंबर 3, बच गई ना तेरे बिन। दो मेरा भी डबल, मेजर अंकल का भी डबल, मोहन का भी डबल, मेरा भी डबल। हेलो। दो आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, मैं दूल्हा बनूंगा। अरे मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप, अब क्लाइमैक्स हो गया, विलन पागल हो गया, तुम लोगों की शादी होने वाली है, अब पब्लिक भी निकल जाएगी, मैं थप्पड़ खा कर तंग आ चुका हूँ, अब तो होटल के पैसे दे दो। पैसे? हाँ। लगता है तुम भी जिंदगी से परेशान हो। हाँ? नॉटी बॉय। लगता है मुझे थप्पड़ ही खाना है जिंदगी भर। जिंदगी से परेशान है।